हाय ऑल, वेलकम टू मैथ्स पेडागोजी क्लास विद नीलम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस इन मैथमेटिक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मींस रेयरली अवेलेबल टॉपिक है एरर एनालिसिस इन मैथमेटिक्स। तो बहुत से बच्चे जो है मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करते हैं तो कॉमनली वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, बार बार उनकी जो मिस्टेक्स हो रही है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है, वो एरर क्यों डेवलप हो रहा है बार बार, तो वही एरर एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज एरर एनालिसिस? इट इज़ अ मेथड कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ स्टूडेंट एरर्स। मीन्स ये इस मेथड से हम क्या करते हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कारण है जिस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार एरर क्रिएट कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं। व्हेन दे मेक कंसिस्टेंट मिस्टेक्स, जब वो बार बार मिस्टेक कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, कई बार बच्चों को अंडरस्टैंडिंग है फिर भी वो मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर उनको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मेमोराइज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, क्या कारण है, वो सारे कारण हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सब तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में, जो मेन एरर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, उनको भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि द मेथड कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ स्टूडेंट्स एरर्स, देन द मेथड नेम इज एरर एनालिसिस, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो एरर एनालिसिस का मतलब है कि बच्चों की एरर्स को आइडेंटिफाई करना, क्यों क्यों बार बार गलतियां कर रहे हैं। तो एज अ टीचर हम ये एरर एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले जो बहुत ही बेसिक और कॉमन चीज़ है वो है बाय रिव्यूइंग द स्टूडेंट्स वर्क। जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो भी वो होमवर्क क्लास वर्क कर रहे हैं, उसको रिव्यू करना, ठीक है, और उसके पैटर्न को देखना कि कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो जो वो गलतियाँ कर रहा है उस गलतियों के पैटर्न को स्टडी करना कि क्या एक ही तरह की गलती कर रहा है, कहाँ कौन से स्टेप में वो गलती कर रहा है, किस तरह की गलती वो बार बार कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उस पूरे पैटर्न को स्टडी करना, ठीक है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में जानना, तो वो होता है हमारा एरर एनालिसिस। ओके, सो एरर्स इन मैथमेटिक्स कैन बी फैक्चुअल, प्रोसीजरल और कंसेप्चुअल एंड मे अकर फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। अगर हमसे पूछा जाए तो मेन जो एरर्स हैं मैथमेटिक्स में वो फैक्चुअल एरर होता है, प्रोसीजरल एरर होता है, कंसेप्चुअल एरर भी होता है, और जरूरी नहीं है कि ये तीन ही तरह के एरर जो है वो क्रिएट कर रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं एरर होने के, प्रॉब्लम्स में मिस्टेक होने के, ठीक है, गलत तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि अगर फैक्चुअल एरर है, प्रोसीजरल एरर है, कंसेप्चुअल एरर है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि एरर एनालिसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो एरर एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमें बच्चे के एरर्स के बारे में पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों वो बार बार मिस्टेक कर रहा है, तब तक हमें उसकी जो नीड है, किस एरिया में उसको ज़रूरत है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन की, उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। ओके, सो टू प्रोवाइड द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स एरिया ऑफ नीड, ओके, हमें एरर एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ कुछ बच्चों में जो है कंसेप्चुअल नॉलेज की कमी होती है, उनको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। कुछ बच्चे जो है दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ पेस ऑफ लर्निंग, मींस जो स्पीड ऑफ लर्निंग होती है उनकी बहुत कम होती है, या बहुत स्लो वो चीज़ों को सीखते हैं, या बहुत फास्ट वो चीज़ों को सीखते हैं इसलिए वो मिस्टेक करते हैं, या उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है इसलिए वो मिस्टेक कर रहे हैं। देन lack of opportunity to respond, और कुछ बच्चों को हम opportunity ही नहीं दे रहे हैं कि वो respond कर पाएँ, बस सिर्फ उनको teaching करवाई जा रही है, उनकी response उनकी तरफ से जो है response लिया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। lack of specific feedback from teachers, बच्चों को teacher की तरफ से कोई भी feedback नहीं मिल रहा है, ठीक है। एग्जाइटी अबाउट मैथ्स, मैथ्स के लिए उनके अंदर डर है, चिंता है, या उस मैथ सब्जेक्ट से वो डरते हैं। डिफ़िकल्टीज़ इन विजुअल एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग, या उनको विजुअल लर्निंग में डिफ़िकल्टी है, या ऑडिटरी लर्निंग में, मीन्स सुनने से उनको ज़्यादा समझ नहीं आता है, या देखने में उनको प्रॉब्लम है हो रही है, विजुअल लर्निंग उनकी वीक है, जो भी है। तो ये सारे कारणों को पता लगाने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए
एरर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कारण टीचर को या किसी इंस्ट्रक्टर को तभी पता चलेंगे जब वो एरर एनालिसिस करेगा, ठीक है, सही कारण को जानने की कोशिश करेगा। एरर एनालिसिस इम्पॉर्टेंट व्हेन वी हैव स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी एंड लो परफॉर्मेंस। तो इन सभी पॉइंट्स का कंक्लूडिंग पॉइंट ये होगा कि एरर एनालिसिस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं के अंदर जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, मींस वो लर्निंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है या उनकी परफॉर्मेंस बहुत लो है, ठीक है, तो उस केसेस में जो है एरर एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है स्टूडेंट के लिए, ये कारण पता लगाने के लिए कि क्यों उनके अंदर जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो रही है, क्यों उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो लो हो रही हैं, क्यों वो मिस्टेक कर रहे हैं, किस कारण से वो मिस्टेक कर रहे हैं। तो इस सभी रीजंस को पता लगाने के लिए एरर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो एरर्स जो हैं मैथमेटिक्स में वो हैं हमारे प्रोसीजरल एरर, फैक्चुअल एरर, कंसेप्चुअल एरर और नंबर ऑफ एरर्स हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी सबसे पहले प्रोसीजरल एरर की। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई एक एग्जांपल दिया जाता है, उसमें बच्चे ने मिस्टेक किया है, रॉन्ग आंसर निकला है, तो उसमें पूछा जाता है कि ये एरर जो है किस तरह का एरर है या हम इसको किन टर्म्स में लेके चलेंगे, क्या नेमिंग देंगे हम इस तरह के एरर को। तो आपको टर्म्स का पता होना चाहिए मीनिंग। प्रोसीजरल एरर क्या होता है, व्हेन अ स्टूडेंट हैज़ नॉट फॉलोड द करेक्ट स्टेप्स और प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देन दिस इज़ अ प्रोसीजरल एरर। जब बच्चा एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और वो करेक्ट स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहा है या एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आएगा, रॉन्ग आंसर आएगा, क्योंकि उसने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो करेक्ट नहीं हैं, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हैं। तो मींस वहाँ पे प्रोसीजर में प्रॉब्लम है, ओके, उसको नॉलेज है कैसे करना है क्या करना है, लेकिन उसने स्टेप्स फॉलो नहीं किए प्रॉपर, तो वहाँ पे जब स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहा है, प्रोसीजर में प्रॉब्लम आ रही है, दैट एरर इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल एरर। तो इसका एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे बच्चों को हमने एडिशन के लिए एक सम दिया, ठीक है, ये मोस्टली जो है क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर वन के लिए पूछे जाते हैं, पेपर टू में भी आ सकता है लेकिन पेपर वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 483 में उसको 27 हमने प्लस करने के लिए दिया, तो बच्चे ने क्या किया है, 7 + 3 = 10 एज इट इज़ लिख दिया है, वहाँ पे उसको प्रॉपर उसने स्टेप फॉलो नहीं किया, क्योंकि 7 + 3 = 10 के बाद 1 जो है यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होना था, लेकिन उसने उसको एज इट इज़ लिख दिया। 8 + 2 यहाँ पे 10 कर रहा है और 4 यहाँ पे एज इट इज़ भी लिख सकता है वो 4, तो भी वो प्रोसीजरल एरर होगा, या उसने यहाँ पे एक 5 करके कर दिया है वो भी प्रोसीजरल एरर रहेगा। तो ये प्रोसीजर में ही प्रॉब्लम है, स्टेप्स में प्रॉब्लम है, उसको पता है कि एडिशन जो है 7 + 3 = 10 होता है, बेसिक उसको नॉलेज पता है, ठीक है, लेकिन उसको स्टेप्स प्रॉपर पता नहीं है कि जब हमें कैरीज वाले सम में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो रॉन्ग आंसर है बिकॉज ही यूज इन एक्यूरेट प्रोसीजर। तो इस तरह के एग्जांपल में अगर बच्चा इस तरह से करता है, मान लो कि कुछ बच्चे, आपको एग्जांपल इस तरह से भी दिया जा सकता है कि 4 8 3 2 7 है, तो वो क्या कर रहा है, 3 + 8 + 4 इस तरह से कर रहा है, सो 3 + 8 हो गया 11 + 4 = 15 + 2 = 17 और + 7 हो गया 24। अगर वो यहाँ पे 24 आंसर दे रहा है तो भी वो प्रोसीजरल एरर होगा, क्यों, क्योंकि उसने जितने भी डिजिट्स से उनको ऑल टुगेदर जो है वो ऐड कर दिया, तो ये भी प्रोसीजरल एरर होगा। या फिर वो लेफ्ट से ऐड करना शुरू करता है, जैसे 4 को 4 लिख देता है, 8 + 2 = 10 लिखता है, या 7 + 3 = 10 लिखता है, इस साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को प्रोसीड करता है, तो वो भी एक प्रोसीजरल एरर होगा। तो व्हेन ही ऐड ऑल डिजिट टुगेदर तो भी प्रोसीजरल एरर होगा, व्हेन ही प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तब भी प्रोसीजरल एरर होगा, ठीक है। तो आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो जैसे माइनस के लिए यहाँ एक सम दिया है, तो 6 - 2 = 4 कर रहा है, और यहाँ पे वो ये नहीं देख रहा है कि मुझे यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा, वो सीधा 5 - 1 = 4 कर रहा है, और 5 - 1 = 4 कर रहा है, तो ये भी एक प्रोसीजरल एरर है। नो रीग्रुपिंग हो रही है यहाँ पे कि स्मॉलर नंबर है ये लार्जर है, तो वो कुछ नहीं देख रहा है, सिर्फ एज इट इज़ जो है सब्ट्रैक्शन कर रहा है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू भी हो सकता है, नो रीग्रुपिंग है, प्रोसीजरल एरर है, ओके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्चुअल एरर की। फैक्चुअल एरर और प्रोसीजरल एरर को स्लिप्स भी कहा जाता है। स्लिप्स मतलब जहाँ पे वो एक स्टेप को स्लिप कर रहा है, ठीक है, या भूल जा रहा है, ठीक है। तो मेनली जो फैक्चुअल एरर है उसको स्लिप्स भी कहा जाता है। द मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट मेक व्हेन दे कैन नॉट रिकॉल फॉरगेट अ फैक्ट रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और इफ़ दे हैव नॉट मास्टर्ड बेसिक फैक्ट। फैक्चुअल एरर कब बच्चा क्रिएट करता है, कब मिस्टेक करता है, जब उसको जब वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और बीच में कोई स्टेप वो भूल जाता है, ठीक है। तो एक स्टेप को भूलने के का रिजल्ट ये होगा कि प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो जब वो कोई फॉर्मूला भूल जा रहा है, कोई स्टेप भूल जा रहा है, एक मोमेंट के लिए जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जब हम कॉलेज लेवल में ये चीज़ें करते हैं तो कोई एक स्टेप हम बीच में भूल जाते हैं और हमारा पूरा प्रॉब्लम ही रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारी ड्यू टू मेमोरी लॉस हो सकता है एक सेकेंड के लिए, मेमोरी डेफिसिट जिसको हम कहेंगे, मेमोरी प्रॉब्लम देन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्चुअल एरर इज़ ड्यू टू नॉट रिकॉलिंग अ स्टेप और फॉरगेटिंग अ स्टेप, ठीक है, वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, या फिर इफ़ दे हैव नॉट मास्टर्ड बेसिक फैक्ट, उसको बेसिक फैक्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना तो पता है लेकिन बेसिक चीज़ें जो है वहाँ पे जो यूज़ हो रही हैं उस प्रॉब्लम में वो उसको क्लियर नहीं है, उसमें उसकी मास्टरी नहीं है, ठीक है। यू नो हाउ टू प्रोसीड, यू नो द प्रोसीजर, बट यू डोंट नो, यू फॉरगेट द स्टेप, एनी स्टेप इन बिटवीन। जैसे कि यहाँ पे वो एडिशन कर रहा है, 7 + 5 यहाँ पे 12 होना था लेकिन उसने 13 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक उसको ये पता है कि प्रोसीजर क्या है लेकिन उसको बेसिक फैक्ट जो एडिशन का कि 7 + 5 को ऐड करते हैं तो 12 आता है, वो बेसिक फैक्ट वो यहाँ पे भूल जा रहा है, ठीक है। 4 + 3 = 7, तो यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड था वो उसने यहाँ ऐड किया है, मीन्स उसको ये पता है प्रोसीजर का कि कैरी आता है तो उसको ऐड करते हैं। 4 + 3 = 7 + 1 = 8 किया उसने, 3 किया उसने, तो यहाँ पे मतलब प्रोसीजर तो राइट है बट उसको बेसिक फैक्ट जो एडिशन का है वो वहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हम इसको मेमोरी डेफिसिट भी कहेंगे, या दीज एरर आर ड्यू टू द विजुअल मोटर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, मीन्स जो हम देख रहे हैं या जो हम कर रहे हैं उसमें हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, देख कुछ रहे हैं लिख कुछ रहे हैं, तो वो भी हमारा एक फैक्चुअल एरर है। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है, मेमोरी डेफिसिट है मतलब हम चीज़ भूल जा रहे हैं कोई स्टेप वहाँ पे, या इम्पल्सिविटी है मीन्स हमें चीज़ों को बस जल्दी से सॉल्व करना है, हमें स्पीड में काम करना है लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा फैक्चुअल एरर। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्चुअल एरर। कंसेप्चुअल एरर को हम बग्स भी कहते हैं, बग्स, तो ये बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक सीरियस एरर और एक ऐसा एरर है जिसको हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। कंसेप्चुअल एरर दे मे लुक लाइक प्रोसीजरल एरर, ये प्रोसीजरल एरर की तरह दिखते हैं बट दे अकर बिकॉज द स्टूडेंट डज नॉट फुली अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। तो कभी भी आपको प्रोसीजरल एरर और कॉन्सेप्ट एरर में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज कंसेप्चुअल एरर जो है प्रोसीजरल एरर की तरह लगता है लेकिन आपने चीज़ को वहाँ समझना है कि बच्चे ने मिस्टेक क्या करा है, क्या ये कारण उसकी कंसेप्ट का क्लियर होने की वजह से है, ठीक है। तो ये तभी क्रिएट होता है इस तरह का एरर जब बच्चे को कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है, ठीक है, जैसे प्लेस वैल्यू के सिस्टम में उसको प्लेस वैल्यू का पता नहीं है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में जो है ये बच्चा हमेशा कंसेप्चुअल एरर क्रिएट करता है। तो इसके हम एग्जांपल भी लेंगे बाद में। तो कंसेप्चुअल एरर को जैसे कि हमने बग्स भी कहा और हमने फैक्चुअल एरर को क्या कहा था, स्लिप्स कहा था। तो कंसेप्चुअल एरर और बग्स आर मोर सीरियस एरर्स क्योंकि इनको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक बच्चे में कॉन्सेप्चुअल एरर है ये आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए, इसीलिए इनको सीरियस एरर कहा गया है। बाय रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और शो एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम हेल्प्स टू डिटरमिन द कॉन्सेप्चुअल एरर। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल एरर के बारे में पता लगाना है तो आपको बच्चे को हर एक स्टेप पे कोई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की हेल्प से उनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है, ठीक है। या आप मान लो कोई भी प्रॉब्लम
आप ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो जो भी आप उनको चीज़ पढ़ा रहे हो उस चीज़ को कॉन्क्रीट वे में लेके चलो, ठीक है, शो करो उसको, फिर उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन करो और साथ के साथ बच्चों से रिस्पॉन्स लेते रहो कि उसको कहाँ पर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। और जब हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, उसके बाद सेम क्वेश्चन उससे पूछो। अगर सेम क्वेश्चन पूछने के बाद वो एरर क्रिएट नहीं हो रहा है तो इट मींस दैट द एरर वाज कंसेप्चुअल एरर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एक टीचर के लिए आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है, और क्या रीजंस हो सकते हैं एरर्स क्रिएट करने के, बच्चों के जो मिस्टेक्स होती हैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में और क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है पुअर अटेंशन एंड केयरलेसनेस। तो पुअर अटेंशन एंड केयरलेसनेस इज अदर पॉसिबल कॉज ऑफ स्टूडेंट्स एरर। तो जो एरर बच्चे क्रिएट कर रहे हैं उसका एक और मेन रीज़न हो सकता है बच्चों की पुअर अटेंशन लर्निंग के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनका अटेंशन नहीं है, केयरलेस अगर हैं वो, तो ये भी एक कॉमन कारण हो सकता है स्टूडेंट्स के एरर क्रिएट करने का, प्रॉब्लम्स को गलत तरीके से सॉल्व करने का। सो देर शुड बी प्रॉपर अलाइनमेंट बिटवीन द इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट एबिलिटी एंड टास्क। इस एरर को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर अलाइनमेंट, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इंस्ट्रक्शन के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, और उसका जो काम चल रहा है उन दोनों टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो टास्क है। तो टास्क, स्टूडेंट और टीचर की जो इंस्ट्रक्शन है उन तीनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो बच्चा अटेंटिव रहेगा, ठीक है। और जहाँ अटेंटिव रहेगा तो वहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह की मिस्टेक्स के कारण होते हैं जब लॉन्ग लेसन्स होते हैं, तो लॉन्ग लेसन्स इन अटेंशन कुड अकर ड्यू टू पार्ट्स ऑफ लेसन, ठीक है, ड्यूरिंग पार्ट्स ऑफ लेसन। जब लेसन बहुत लंबा है, जैसे कि मेरा अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो बीच में आपकी जो अटेंशन है वो पुअर हो सकती है, ये एक कारण है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूँ ताकि आपका अटेंशन बना रहे और आपको चीज़ें समझ आती रहे। तो लॉन्ग लेसन्स में हमेशा इन अटेंशन जो है अकर होती है क्योंकि बच्चा सिर्फ सुन रहा है, ठीक है, वहाँ पे उसका अपना कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो चीज़ों को सुन रहा है। देर इज़ ओनली लिसनिंग एंड नो स्टूडेंट रोल। तो जब भी बच्चे का रोल नहीं है तो वहाँ पे अटेंशन और केयरलेसनेस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है एरर का। तो आज के वीडियो में सिर्फ मैं मेन ये चार एरर लेके चल रही हूँ जो मैंने आपको बताया है, प्रोसीजरल एरर, फैक्चुअल एरर, कंसेप्चुअल एरर एंड पुअर अटेंशन केयरलेसनेस, ओके। अब हम लेते हैं एक दो क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में और किस तरह के एरर होते हैं वो भी हम लेके चलेंगे। A very common error observed in addition of linear expression is 7x plus 2 is equal to 9x. This type of error is termed as, एक expression है 7x plus 2 is equal to 9x. इस तरह की problems की addition में ये observe किया गया है कि error create होता है। तो इस तरह के error को हम क्या कहेंगे, प्रोसीजरल एरर कहेंगे, फैक्चुअल एरर कहेंगे, कंसेप्चुअल कहेंगे या केयरलेस कहेंगे। तो इस तरह का एरर जो होगा 7x plus 2 is equal to 9x, यहाँ पे आंसर 7x, अगर यहाँ 2x होता तो आंसर 9x होता, ठीक है। तो उसको प्रोसीजर पता है यहाँ पे, ठीक है, प्रोसीजरल एरर तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर प्रोसीजरल एरर होता है तो हमेशा क्वेश्चन में एक हिंट दिया होता है कि आंसर जो है मीन्स, जैसे कि मैं अगर बात करूँगी यहाँ पे, अगर 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ये उसको पता है कि प्रोसीजर ये होता है, ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे मिस्टेक ये की हुई है, उसने ये नहीं देखा है कि 7x प्लस 2x है, यहाँ होना चाहिए था यहाँ, तभी 9x होता है। यहाँ पे x नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो इस तरह के एरर को हम प्रोसीजरल एरर नहीं कहेंगे। ये फैक्चुअल एरर भी नहीं है कि यहाँ पे बच्चा कोई स्टेप स्किप कर गया इसीलिए एक मिस्टेक क्रिएट हो रही है, ये एरर होता है कंसेप्चुअल एरर, ठीक है। इस तरह के एरर में को हम कंसेप्चुअल एरर कहेंगे कि इसमें बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट ही उसको क्लियर नहीं है कि कॉन्स्टेंट जो है वेरिएबल में ऐड नहीं होता, ठीक है, उसकी एडिशन नहीं होती है वेरिएबल के साथ। तो ये कंसेप्चुअल एरर है। नेक्स्ट है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इन एन एक्सरसाइज द क्वेश्चन वॉज मेजर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट
पी क्यू एंड आर एस दो लाइन सेगमेंट दिए गए हैं और बच्चों को उसका लेंथ मेजर करने को कहा. चाइल्ड आंसर ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो इसका लेंथ उन्होंने 5 सेंटीमीटर बताया और इसका लेंथ इन्होंने 3 सेंटीमीटर बताया. दिस इज विच टाइप ऑफ एरर. अब ये लाइन सेगमेंट का नाम है पी क्यू और इसका है आर एस, लेकिन वो लाइन सेगमेंट को ए बी करके बता रहे हैं. क्यों बता रहे हैं? देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट उनको क्लियर है कि इसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, थ्रू स्केल और जो भी है. तो उन्होंने बता दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है. अगर कंसेप्चुअल एरर होता तो वो यहाँ पे कुछ और बताते, ठीक है, उसकी मेजरमेंट का, उसका लेंथ बता देते क्वेश्चन में ही. लेकिन वहाँ पे लेंथ का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो मीन्स उन्होंने जो मेजरमेंट किया है वो तो सही है, ठीक है. एरर क्या दिया है उन्होंने? पी क्यू और आर एस की जगह उन्होंने ए बी लिखा है. तो दिस इज़ कंसेप्चुअल एरर, नो. दिस इज़ प्रोसीजरल एरर, नो. प्रोसीजर उन्होंने सेम फॉलो किया है, लेंथ को मेजर करके उसका मेजरमेंट सही बताया है. रीडिंग एरर है, रीडिंग एरर, और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो. अब ऑप्शन में अगर यहाँ रीडिंग एरर होता और यहाँ पे कुछ और होता तो ये ऑब्वियसली जो है इसका आंसर रीडिंग एरर होता, क्योंकि उन्होंने पी क्यू को गलत रीड किया ए बी. लेकिन यहाँ पे ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये बहुत ही पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. एरर ड्यू टू हैबिट ऑफ नेमिंग लाइन सेगमेंट एस ए बी. बच्चों को ये आदत होती है कि लाइन सेगमेंट है तो उसको हमेशा ए बी करके सिखाया जाता है. टीचर उनको यही सिखाते हैं, नेमिंग ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइक, जो भी जब भी लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो वो ए बी उसको मेंशन करते हैं. तो वो चीज़ बच्चों के ध्यान में रह गई है, वो उनको माइंड में एक हैबिट बन गई है कि लाइन सेगमेंट है तो उसका नाम ए बी ही होगा. तो यहाँ पे आंसर जो है फोर्थ होगा, ठीक है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ऑप्शंस को भी स्टडी करना है अच्छे से. जो मोस्ट पॉसिबल पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही हमारा सही आंसर होता है पेडागोजी में, ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही लेंगे. आपकी अटेंशन को लेने के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है. सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगा. थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू.